अस्सलाम वालेकुम जी। हम चैप्टर टू कर रहे थे, इसमें अभी हम देखते हैं डिवाइसेस कनेक्टिंग नेटवर्क्स। ये नेटवर्क्स को कनेक्ट करने में जिन जिन डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है उन डिवाइसेस के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले आ जाता है राउटर। राउटर का लफ्ज आप लोगों ने बहुत सुना होगा, आम अपनी डेली लाइफ में भी सुना होगा। राउटर एक ऐसी डिवाइस होती है, कहते हैं ना घरों में राउटर लगा हुआ है, नेट नहीं आ रहा, राउटर का मसला होगा। वो जो एक नेट लाने के लिए जो डिवाइस होती है ना, जो कनेक्ट करती है आपको इंटरनेट से, एक्चुअली वो राउटर होता है। ये दो या दो से ज्यादा सिमिलर और डिफरेंट नेटवर्क्स, सिमिलर नेटवर्क्स भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। सिमिलर का क्या मतलब है? उनकी प्रोटोकॉल्स, उनकी सेट ऑफ रूल्स सारे सिमिलर होंगे, और डिफरेंट का मतलब है कि डिफरेंट प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं दो नेटवर्क। तो उन दो नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए राउटर इस्तेमाल होता है। देन नेटवर्क्स, नेटवर्क लैन भी हो सकते हैं और वैन भी हो सकते हैं, ठीक है। लैन और वैन को आगे हम देखते हैं। इट कैन कनेक्ट नेटवर्क्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। बहुत मुख्तलिफ मुल्कों के नेटवर्क्स को कनेक्ट कैसे राउटर की मदद से किया जा रहा है, तभी तो हम एक इधर हम एक जगह पे बैठ के हम यूरोप में या किसी और मुल्क में दूर बैठे सात समुंदर पार कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये किस वजह से पॉसिबल है? जो एक डिवाइस इसके अंदर जो कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है, एक डिवाइस जो अपना रोल प्ले कर रही है, वो राउटर है। राउटर स्टोर्स द एड्रेसिंग इन्फॉर्मेशन। अच्छा, राउटर ना एक टेबल बनाती रहती है जिसके अंदर राउटिंग इन्फॉर्मेशन या एड्रेसिंग इन्फॉर्मेशन स्टोर करती रहती है, ठीक है। कि फला जो जिस जिस एड्रेस पे आप इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं, वो अपने पास एड्रेसेस या इन्फॉर्मेशन सारी स्टोर करती रहती है, जो कि उस वो इन्फॉर्मेशन बाद में दूसरे पैकेट्स को सेंड करने में मदद देती है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन एड्रेसेस की स्टोर करती है, या अबाउट कनेक्टेड नेटवर्क्स एंड कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू देम। जो भी उसके साथ नेटवर्क्स या कंप्यूटर स्टोर होते जो कनेक्ट हुए होते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन स्टोर करती रहती है। व्हेन पैकेट ऑफ डाटा रिसीव्स, जैसे ही डाटा, कोई पैकेट, डाटा पैकेट, पैकेट कहते हैं मैसेज को, एक ऐसा पैकेट में मैसेज भी होता है और डेस्टिनेशन एड्रेस भी होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के एक पैकेट बन जाता है। जब भी वो राउटर को मिलता है, तो राउटर पहले उसका डेस्टिनेशन एड्रेस देखता है और उसको कहाँ में ढूंढता है, अपनी राउटिंग इन्फॉर्मेशन जो उसने अपने पास राउटिंग टेबल स्टोर किया होता है उसमें देखता है, और उसको इस्तेमाल करते हुए ट्रांसफर डाटा अलोंग द मोस्ट एफिशिएंट पाथ, बहुत एफिशिएंट पाथ पे डाटा को ट्रांसफर करता है। अच्छा, आप आम अल्फाज में देखें, आप अपनी डेली लाइफ में देखें, आपने किसी को कोई मैसेज सेंड करना है, तो आप सोचते हैं, है ना, कि आप किस पाथ से सेंड करेंगे, कैसे सेंड करेंगे, कौन सा रास्ता इख्तियार करते हुए मैसेज डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। तो वो आप किस बेसिस पे, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन होती है तब आप सोचते हैं ना। फॉर एग्जांपल, आप एक लोकेशन ए पे हैं, तो आपने सोच रहे हैं कि हमने लोकेशन बी पे पैकेट सेंड करना है, तो आप उसके मल्टीपल आपके पास ऑप्शन होती हैं कि आप इस रास्ते से भी कर सकते हैं, दूसरे रास्ते से भी कर सकते हैं, लेकिन आपने अपने एक्सपीरियंसेस से और जो इन्फॉर्मेशन आपके पास स्टोर हुई होती है उससे सोचते हैं कि नहीं यार, ये रास्ता जो है ना बहुत लंबा पड़ जाएगा, और या इस रास्ते पे कंजेस्शन बहुत होगी, तो बेहतर है मैं दूसरा रास्ता इख्तियार करूँ। तो वो इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह राउटिंग इन्फॉर्मेशन के जरिए भी आप डाटा को इजीली अच्छे मोस्ट एफिशिएंट पाथ पे ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब राउटर करता है। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट डिवाइस है गेटवे। गेटवे एक ऐसी डिवाइस है जो दो मुख्तलिफ तरह के नेटवर्क्स को कनेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, एक तरफ नेटवर्क जो है ना वो है प्रोटोकॉल, कोई एक तरह की प्रोटोकॉल यूज करता है, और दूसरी साइड पे नेटवर्क कोई दूसरी तरह की प्रोटोकॉल यूज करता है, ठीक है। तो ये गेटवे बीच में जो लगा होता है, जो गेटवे बीच में इनको एक रास्ता प्रोवाइड करता है कि दो मुख्तलिफ किस्म के प्रोटोकॉल्स को यूज करते हुए नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट कर सके। गेटवे इज एन इंटेलिजेंट डिवाइस। जैसे ये इमेज आपको दिख रही है ना, ये इंटरनेट है। इंटरनेट में मुख्तलिफ किस्म के नेटवर्क्स मौजूद होंगे। इंटरनेट ऐसे ही है ना, इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, बहुत सारे नेटवर्क्स का एक नेटवर्क है। तो मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स, मुख्तलिफ तरह के नेटवर्क्स इसमें मौजूद होंगे। तो एक गेटवे लगा दिया जाता है, ठीक है। ये गेटवे लगा हुआ है, ये गेटवे मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स को यूज करते हुए नेटवर्क्स के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करता है। गेटवे इज एन इंटेलिजेंट डिवाइस। इट ट्रांसलेट्स डेटा फ्रॉम वन फॉर्मेट टू द अदर। एक नेटवर्क पे कोई एक तरह का फॉर्मेट यूज हो रहा है, या सेट ऑफ रूल्स यूज हो रहे हैं, या प्रोटोकॉल्स यूज हो रहे हैं। जब आपने उस नेटवर्क से किसी दूसरे नेटवर्क जहां पे एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल ही मुख्तलिफ फॉर्मेट है, तो उस नेटवर्क पे जब आप डाटा सेंड करेंगे, कोई भी पैकेट सेंड करेंगे, उस पैकेट को डिकोड कैसे किया जाएगा,
वो गेटवे ही करेगा, वो एक तरफ से डाटा को लेगा और जिस डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे डाटा को सेंड करना है उसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चेंज कर देगा, डाटा को ट्रांसफॉर्म कर देगा, डाटा को ट्रांसलेट कर देगा, ठीक है। डाटा पैकेट रिसीव्स फ्रॉम वन टाइप ऑफ अ नेटवर्क, डाटा पैकेट एक तरह के नेटवर्क से गेटवे रिसीव करेगा, फिर उसका डेस्टिनेशन एड्रेस रीड करेगा कि ये पैकेट किस लोकेशन पे भेजना है, और फिर उस लोकेशन के, उस डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग पैकेट को ट्रांसफॉर्म कर देगा, उसका फॉर्मेट चेंज कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, ताकि डेस्टिनेशन कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू अ लैन रिक्वायर अ गेटवे टू एक्सेस इंटरनेट, ठीक है। लैन के साथ जो भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे उनको, ये हमारे घर की एग्जाम्पल है कि जब आपने इंटरनेट के साथ एक्सेस करना होता है आपने अपना अपने अपने नेटवर्क को, तो इंटरनेट पे तो मुख्तलिफ किस्म के नेटवर्क्स मौजूद होंगे जिनके मुख्तलिफ किस्म के प्रोटोकॉल्स या फॉर्मेट्स यूज कर रहे होंगे, तो वो कनेक्शन कैसे पॉसिबल होगा कि आपके पास जो डाटा पहुंचे आप उसको अंडरस्टैंड भी कर सके आपकी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, वो गेटवे पॉसिबल करता है इस सारी चीज को। अब नेक्स्ट डिवाइस आ जाती है ब्रिज। ब्रिज क्या करता है, याद रहे आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो गेटवे है वो टू डिफरेंट नेटवर्क सेगमेंट्स को कनेक्ट करता है, जबकि ब्रिज टू सिमिलर नेटवर्क सेगमेंट्स को कनेक्ट करता है, ठीक है। सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ नेटवर्क। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास इमेज है, इसके अंदर कुछ मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, जरूरी नहीं दो ही हो सकता है कोई तीसरा कंप्यूटर, कोई चौथा कंप्यूटर, मल्टीपल कंप्यूटर्स होंगे, ये मिलके एक सेगमेंट बना रहे हैं, ठीक है। दूसरा सेगमेंट एक अलग और होगा, उन सेगमेंट को ब्रिज के जरिए कनेक्ट किया जा सकता है। ब्रिज क्या करेगा, ब्रिज क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा डाटा फ्लो बिटवीन सेगमेंट्स, ठीक है। व्हेन ब्रिज रिसीव्स मैसेज, जैसे ही मैसेज रिसीव करेगा ब्रिज, तो वो चेक करेगा कि ये किस कंप्यूटर ने भेजा है, सेंडर कंप्यूटर कौन है और किस कंप्यूटर को भेजना है, डेस्टिनेशन या रिसीवर कंप्यूटर कौन है। अगर तो सेंडर और रिसीवर कंप्यूटर सेम सेगमेंट में होंगे, फॉर एग्जाम्पल ये कंप्यूटर ए है और फॉर एग्जाम्पल ये कंप्यूटर बी है, अगर कंप्यूटर ए और कंप्यूटर बी, इनमें से ए सेंडर है और बी रिसीवर कंप्यूटर है, ये सेम सेगमेंट में है, देखिए एक ही सेगमेंट में है ना, तो ब्रिज तक डाटा को भेजने की, मैसेज पास करने की जरूरत ही नहीं है, वो सेम सेगमेंट में है, ब्रिज जो है वो फिर उस मैसेज को या उस पैकेट को, उस डाटा को किसी और सेगमेंट में आगे सेंड नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर अगर सेंडर और रिसीवर सेम सेगमेंट में नहीं है, फॉर एग्जांपल ए सेंडर है और बी कोई ये वाला रिसीवर है, तो ब्रिज उस डाटा पैकेट को पास करेगा और सेंड कर देगा किसको, दूसरे सेगमेंट के कंप्यूटर को, सही है। क्या कह रहा है, इफ सेंडर एंड रिसीवर आर इन सेम सेगमेंट तो मैसेज डू नॉट पास, बल्कि डायरेक्टली सेंड हो जाएगा ए कंप्यूटर से बी में, अगर सेम सेगमेंट है। अगर डिफरेंट सेगमेंट है तो ब्रिज ट्रैफिक को, डाटा को पास करेगा। इससे क्या फायदा हुआ, इससे फायदा हुआ कि इसने नेटवर्क ट्रैफिक को रिड्यूस कर दिया, जिस डाटा, जो डाटा सेम सेगमेंट में है वो नेटवर्क के ऊपर उसको सेंड नहीं किया जा रहा, बल्कि डायरेक्टली उसी कंप्यूटर को सेंड कर देगा, तो इससे नेटवर्क की ट्रैफिक रिड्यूस हुई और परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गई। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, अगली डिवाइस क्या है, अगला लैन शुरू हो जाता है। लैन देखते हैं क्या होता है, लैन का मतलब है एल फॉर लोकल, ए फॉर एरिया, एन फॉर नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये नाम से ही पता चल रहा है, लोकल इसका मतलब है ये स्मॉल एरिया को कवर कर रहा है, कवर द स्मॉल एरिया। हमारे यहाँ लोकल का लफ्ज तभी यूज होता है ना जब कहा जाता है कि ये मतलब उसी, जिस एरिया में हो उसी एरिया की बात हो रही हो, तो सही है, कहते हैं ना कि ये, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं लोकल बस, यानी कि सिर्फ लाहौर शहर के या कराची शहर के, वो जो कराची शहर के अंदर बस चल रही है वो उधर की लोकल बस है, यानी कराची के अंदर अंदर ही सिर्फ उसका एरिया लिमिटेड है, एरिया थोड़ा है, ठीक है, एरिया रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन जब जो चीज पूरी ज्यादा फैल जाए तो वो फिर लोकल में नहीं आएगी, ठीक है। लोकल का मतलब है एक स्पेसिफिक एरिया, तो लैंड जो है वो एक स्मॉल एरिया को कवर करता है, लिमिटेड टू अ बिल्डिंग, हो सकता है किसी एक बिल्डिंग के अंदर जो कंप्यूटर्स हो उनका एक नेटवर्क, वो लैंड एक बिल्डिंग के अंदर थोड़े से कंप्यूटर्स होंगे ना, कितने कंप्यूटर हो जाएंगे, एक थोड़े से एरिया को कवर करेगा, ये एरिया की बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुई हुई है, ठीक है। अच्छा, अगर लिमिटेड टू बिल्डिंग, हो सकता है एक बिल्डिंग तक उसका एरिया महदूद हो, या अ ग्रुप ऑफ एडजेसेंट बिल्डिंग्स, या कुछ जो करीब करीब की बिल्डिंग्स है उन तक एरिया महदूद हो,
ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स. इसमें नंबर की जो कंप्यूटर्स की तादाद है ना वो लिमिटेड होती है. इसमें ज्यादा कंप्यूटर्स कनेक्ट नहीं किए जा सकते क्योंकि एरिया थोड़ा है. इट इज डिजाइन टू शेयर डिफरेंट रिसोर्सेज. बहुत कुछ रिसोर्सेज जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रिंटर या स्कैनर या स्टोरेज डिवाइसेज या एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ऐसे रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए इनको डिजाइन किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल कोई कंप्यूटर कोई जैसे एक एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दी हुई है कंप्यूटर नेटवर्क इन अ लेबोरेटरी ऑफ कॉलेज. आपकी कॉलेज की जो लैब है उसके अंदर कोई एक प्रिंटर रखना है तो आप उसको इस तरह से नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सकते हैं कि किसी भी कंप्यूटर से प्रिंट की कमांड दी जाए तो वो प्रिंटर सारे कंप्यूटर शेयर कर सकें. ठीक है, ये इस तरह अक्सर आपने बैंक्स में देखा होगा. बैंक्स में ये प्रिंटर शेयरिंग का सिस्टम मौजूद होता है. वहां पे एक लैन क्रिएट हुई होती है विद इन अ सिंगल बिल्डिंग. सही है, हर काउंटर पे मुख्तलिफ कंप्यूटर्स होते हैं और वो कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं और प्रिंटर ए की एक कोने पे रखा होता है. अक्सर बैंक्स में ऐसा, बैंक की ब्रांचेस में ऐसा होता है. तो अगर आपने कभी देखा हो, आप कभी गए हो, तो वहां पे फिर वो एक ही हर काउंटर पे जिसको प्रिंट कमांड देनी होती है वो एक प्रिंटर को दे देते हैं और फिर उस प्रिंटर से वो प्रिंटर सबको फैसिलिटेट कर रहा होता है, बहुत सारे काउंटर्स को फैसिलिटेट कर रहा होता है. नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स इन एन ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस की बिल्डिंग में भी इस तरह से एक नेटवर्क क्रिएट किया जा सकता है. इट इज कनेक्टेड यूजिंग केबल्स और वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम एंड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. इसको केबल्स के जरिए भी एक नेटवर्क बनाया जा सकता है. आप चाहें तो केबलिंग कर दें, यानी कि तारों के साथ जोड़ के एक नेटवर्क क्रिएट कर दें. या एक और तरीका है कि वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम का इस्तेमाल करें. जैसे कि वायरलेस में क्या आ जाता है, वाईफाई या कोई इस तरह का कोई तरीका कि तारें ना बिछी हों. और उसके लिए वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम के लिए जरूरी है कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी मौजूद हो सारी डिवाइसेस में जो कि आपस में कनेक्टेड है. इसकी फास्ट डाटा ट्रांसमिशन रेट है 10 मेगाबिट पर सेकंड से 1000 मेगाबिट पर सेकंड तक. ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे अगर आए तो एडवांटेजेस लैन के आ रहे हैं. लैन का पहला एडवांटेज क्या है, रिसोर्स शेयरिंग. आप बहुत इजीली रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं. रिसोर्सेज में जरूरी नहीं सिर्फ प्रिंटर आए, जैसे यहाँ पे आपको तस्वीर में ये प्रिंटर दिखाई दे रहा है, स्कैनर हो सकता है, स्टोरेज डिवाइस हो सकती है. पूरे ऑफिस में सिर्फ एक स्टोरेज डिवाइस है, एक जो एक जो है स्टोरेज डिवाइस है जिसको सारे कंप्यूटर्स शेयर कर रहे हो, या कोई कुछ भी, कोई भी रिसोर्स शेयर किया जा सकता है. कि इट इज इनएक्सपेंसिव. इनएक्सपेंसिव क्या है, क्योंकि ये थोड़ा एरिया कवर कर रहा है, स्मॉल एरिया कवर कर रहा है. जितना ज्यादा एरिया कवर करता जाएगा इसका मतलब है उतनी ज्यादा डिवाइसेज इसके अंदर इन्वॉल्व होती चली जाएंगी. तो जितनी ज्यादा डिवाइसेज और केबलिंग और जो कुछ भी है वो इन्वॉल्व होगा तो उससे ज्यादा खर्चा बढ़ता जाएगा. ठीक है, इसलिए ये इनएक्सपेंसिव क्यों है, क्योंकि स्मॉल एरिया कवर कर रहा है. सेंट्रलाइज डेटा, इसकी एडवांटेज ये है कि डेटा सारा सेंट्रलाइज होता है, यानी एक जगह पे सारा डेटा होता है. इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग, आप इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग भी कर सकते हैं. ये इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आपके घर की है. आपके घर में एक राउटर लगा होता है, उससे आपका जो घर का जो मेन कंप्यूटर, जो डेस्कटॉप या पीसी या जो आपके पास माइक्रो कंप्यूटर घर में मौजूद होता है, जो एक डेस्कटॉप कंप्यूटर पड़ा होता है, वो भी कनेक्ट होता है, या एक दो लैंड डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होते हैं. इसके अलावा घर के जितने लैपटॉप्स हैं वो वायरलेसली जो कनेक्ट हुए हैं वो भी एक लैंड ही बना रहे हैं, एक आपका वो नेटवर्क ही बना रहे हैं. फिर आपके मोबाइल डिवाइसेस, जितनी मोबाइल डिवाइसेस कनेक्ट हैं, अगर आपका स्मार्ट टीवी है तो टीवी भी अगर आप उस नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो भी क्या बन जाता है, आप नेटवर्क इंटरनेट शेयर कर रहे हैं. ठीक है, इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग भी पॉसिबल है लैन के जरिए. डाटा सिक्योरिटी, इसमें डाटा बहुत सिक्योर रहता है क्योंकि डाटा सेंट्रलाइज हो जाता है, एक जगह पे पड़ा है और सारे यूजर्स उस डाटा को उधर से एक्सेस कर सकते हैं. और फिर स्पीड, जितना कम एरिया होगा उतनी ज्यादा स्पीड होगी. ठीक है, ये इसकी एडवांटेज है. कंपोनेंट्स ऑफ लैन में क्या आ जाता है, कम्युनिकेशन मीडिया, एनआईसी कार्ड जो होता है, ये भी अभी देखते हैं हम सारे, हब स्विच, राउटर गेटवे ब्रिज. ये राउटर गेटवे ब्रिज हब स्विच, इनका आप लोग थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट ले चुके हुए हैं, आगे इनको थोड़ा सा फिर दोबारा रिवाइज कर लेंगे. सबसे पहला कॉम्पोनेंट आ जाता है लैन का, वो है कम्युनिकेशन मीडिया. कम्युनिकेशन मीडिया क्या होता है कि लैन किसकी बात हो रही है, कि आपके पास एक नेटवर्क है जिसके अंदर मल्टीपल डिवाइसेस, चाहे वो कंप्यूटिंग डिवाइसेस हों, चाहे वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हों, जो भी डिवाइसेस हैं वो आपस में कनेक्ट हुई हुई हैं. और वो कनेक्ट किस चीज से हुई हैं, ठीक है, किसी ना किसी मीडिया के जरिए कनेक्ट हुई है ना. हो सकता है वो केबल के जरिए कनेक्ट हुई हो, केबलिंग के जरिए तारें बिछी हों और तारों के जरिए वो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होकर एक नेटवर्क क्रिएट कर रही हो. हो सकता है वायरलेसली कनेक्ट हुई हो, तो वो जिस तरीके से कनेक्ट हुई हुई है उसको कम्युनिकेशन मीडिया कहते हैं.
ठीक है, वो हो सकता है ट्विस्टेड पेयर, ट्विस्टेड वायर पेयर, ये केबल का नाम है, इससे भी कनेक्ट हो सकती है ये सारी केबलिंग, ये हम पढ़ेंगे आगे ना नेक्स्ट चैप्टर्स में, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। या कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल से भी कनेक्ट हो सकती है, या फाइबर ऑप्टिक केबल, इनसे भी कनेक्ट हो सकती है। मोर एक्सपेंसिव बट फास्टर, जो फाइबर ऑप्टिक केबल है वो या कोएक्सियल केबल, ये ट्विस्टेड पेयर से ज्यादा फास्टर है, ठीक है। या ये तो होगी केबलिंग की बात, अब आगे आ रहा है, हो सकता है कि अगर आप नेटवर्क क्रिएट करें उसको वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया से भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप तारों का इस्तेमाल ना करें। वायरलेस का मतलब है वायर का ना होना। इसमें क्या कुछ कौन सी टेक्नोलॉजीज आ जाती है, इसमें ब्लूटूथ आ जाता है, ये अक्सर आप लोगों ने नाम सुना होगा, अक्सर आप लोग ब्लूटूथ से अपनी फाइल्स एक दूसरे को शेयर कर रहे होते हैं ना मोबाइल से विदाउट केबल्स। या वाईफाई आ जाता है, इसका भी आप लोगों ने नाम सुना है, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, सैटेलाइट्स, ये सारे आगे जाके हम पढ़ेंगे। इट इज ईजी टू सेटअप एंड कन्फिगर, इनको वायरलेस को सेटअप करना या कन्फिगर करना आसान है, लेकिन ये इनकी स्पीड कम होती है, इट इज लोअर देन केबल नेटवर्क्स। केबल नेटवर्क्स की ज्यादा स्पीड होती है, वो किस लिए, क्योंकि डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा होता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है केबलिंग के साथ। अगर आपने वायरलेस कर लिया है तो बीच में इन्वायरमेंट नॉइसेस, इन्वायरमेंट में जो भी नॉइस होगी, ठीक है, या और कुछ अनवांटेड सिग्नल्स या कुछ और, जाहिर सारी की सारी वायरलेस का क्या मतलब है, वेव्स हवा में ट्रेवल करती हुई डेस्टिनेशन तक जा रही है, तो बीच में कहीं ना कहीं से नॉइस और मुख्तलिफ और चीजें एड अप हो सकती हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा इसकी स्पीड स्लो है इस वजह से, ठीक है, वो बैरियर बन सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC का मतलब है N फॉर नेटवर्क, I फॉर इंटरफेस, C फॉर कार्ड। ये भी एक कम्युनिकेशन डिवाइस होती है विच इज यूज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू अ LAN, इसको LAN कार्ड भी बोलते हैं, ठीक है, ये LAN कार्ड भी होती है, ये एक इट इज अ सर्किट बोर्ड इंस्टॉल्ड ऑन मदरबोर्ड, मदरबोर्ड के ऊपर इसको इंस्टॉल किया जाता है। कंप्यूटर के पास लाजमी तौर पर जरूरी है कि नेटवर्क कार्ड हो, NIC कार्ड हो, ताकि वो लैन के साथ कनेक्ट कर सके, अगर ये नहीं होगा तो कनेक्शन पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा, मदरबोर्ड के ऊपर आजकल बिल्ड इन नेटवर्क कार्ड्स भी आ रहे हैं, लैपटॉप्स में तो बिल्ड इन होते हैं, इसको आपको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, जो दूसरे पीसीज होते हैं ना आपके पास, ये पीसीज या ये जो आपके घर में डेस्कटॉप कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं, उनमें कई दफा अक्सर औकात नहीं होता, आपको उसको अलग से इंस्टॉल करवाना पड़ता है। नेक्स्ट आ जाता है हब एंड स्विच, ये भी एक लैन का कंपोनेंट है, ये एक इट प्रोवाइड सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर्स और नोड्स टुगेदर इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। ये एक होता है सेंट्रल डिवाइस होती है, या ये हब हो सकती है या ये स्विच हो सकती है, हब और स्विच एक ही चीज नहीं है, या हब और स्विच दो अलग अलग डिवाइसेज हैं, ठीक है, चूंकि इनका काम सेम होता है, इनका स्ट्रक्चर तकरीबन सेम होता है, इसलिए इनका इकट्ठा ही नाम ले लिया जाता है। हब और स्विच जो है ना, इसके साथ मुख्तलिफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे, ठीक है, इसके अंदर मुख्तलिफ पोर्ट्स लगी होती हैं, सेट ऑफ पोर्ट्स होती हैं, और हर पोर्ट के साथ कोई ना कोई कंप्यूटर कनेक्टेड होता है, ठीक है, मुख्तलिफ डिवाइसेस, ये इसके साथ एक डिवाइस कनेक्ट हो गई, इसके साथ एक डिवाइस कनेक्ट हो गई, ये मुख्तलिफ डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं। मल्टीपल पोर्ट्स टू विच कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड, ये पोर्ट्स के साथ कनेक्ट हो गए, ठीक है। हब में क्या मसला है, हब और स्विच में क्या फर्क है, एक्चुअली हब ट्रैफिक को मैनेज नहीं करता। फॉर एग्जांपल, ये कंप्यूटर ए है, इसने कंप्यूटर बी को मैसेज सेंड करना है, कंप्यूटर ए ने कंप्यूटर बी को, कंप्यूटर ए किस तरह मैसेज सेंड करेगा, यूजिंग हब, हब जो सेंट्रल डिवाइस होगी, इसने ए को मैसेज सेंड किया, ए ने बगैर उसका डेस्टिनेशन एड्रेस देखे उसको मैसेज मिला, उसने आगे सबको ब्रॉडकास्ट कर देना है, ब्रॉडकास्ट का मतलब है सबको आगे मैसेज पहुंचा देना है, ठीक है, जिसके जिसके लिए वो मैसेज है उसको भी पहुंच जाएगा, जिसके लिए नहीं है उसके पास भी पहुंच जाएगा मैसेज। फिर जो बाकी कंप्यूटर्स हैं जिनके पास जो मैसेज रिसीव करेंगे, वो अपना अपना एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस के साथ मैच करेंगे कि आया ये मैसेज हमारे लिए तो नहीं है। अगर वो मैसेज उनके लिए होगा जिस कंप्यूटर के लिए होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये इसने बी को भी सेंड कर दिया, इसने इस कंप्यूटर को भी पैकेट सेंड कर दिया, तो जो बी कंप्यूटर है ये भी डेस्टिनेशन एड्रेस मैच करेगा, ये जो फॉर एग्जाम्पल सी कंप्यूटर है ये भी डेस्टिनेशन एड्रेस मैच करेगा, तो बी कंप्यूटर का मैच कर गया, ओके हो गया, तो ये उस पैकेट को रिसीव कर लेगा, और जो बाकी कंप्यूटर है जो सी रह गया है वो उसको रिसीव नहीं करेगा बल्कि डिस्कार्ड कर देगा, ठीक है। इट ब्रॉडकास्ट मैसेज इंटेंडेड नोट एक्सेप्ट, जिसके लिए वो मैसेज होगा वो एक्सेप्ट कर लेगा, अदर इग्नोर, बाकी सब इग्नोर करेंगे। जबकि स्विच का थोड़ा सा बिहेवियर डिफरेंट है, वो हब से जरा ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसने अपने पास एक टेबल मेंटेन किया हुआ है
जिस टेबल के अंदर उसके साथ जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं उन सब का उसने एड्रेस नोट किया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल उसके पास कुछ इस तरह का टेबल मौजूद होगा, ये हमारी अपनी जो है ना अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि इस तरह का कोई टेबल होगा कि पोर्ट नंबर वन पे जो कंप्यूटर है उसका एड्रेस फलां है, पोर्ट नंबर टू पे जो कंप्यूटर है उसका ये एड्रेस है, पोर्ट नंबर थ्री पे जो कंप्यूटर है उसका ये एड्रेस है. जैसे ही उसको मैसेज रिसीव होगा, किसी कंप्यूटर ने मैसेज, फॉर एग्जाम्पल ए कंप्यूटर ने ही मैसेज सेंड किया है, तो वो क्या करेगा, वो उसका उस मैसेज का एड्रेस मैच करेगा विद टेबल जो उसके पास टेबल है और देखेगा कि ये एड्रेस किस के साथ मैच कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल बी कंप्यूटर जो था उसके साथ जो एड्रेस मैच कर रहा है उसकी पोर्ट थ्री है, फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं, तो वो सिर्फ पोर्ट थ्री पे पैकेट सेंड करेगा, वो पोर्ट टू पे पैकेट सेंड नहीं करेगा, सिर्फ उसी के पास पैकेट जाएगा जिसके लिए, या उसी के पास मैसेज जाएगा जिसके लिए वो मैसेज होगा. ठीक है, बाकी सबको ऐसी ब्रॉडकास्ट नहीं कर देगा, हर किसी को नहीं दे देगा. सही है, ये फर्क है हब एंड स्विच में. नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट है राउटर. राउटर की जैसे अभी हमारी बात हुई है, एक दफा रिवाइज कर लेते हैं फिर से कि ये टू डिफरेंट, टू या दो से ज्यादा सिमिलर और डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है. सिमिलर और डिफरेंट हम किस बेस पे डिसाइड कर रहे हैं कि ये सिमिलर है या डिफरेंट है, प्रोटोकॉल्स की बेस पे. ठीक है, द नेटवर्क कैन बी लैन और वैन, कोई भी नेटवर्क हो सकता है. अच्छा, बात हो रही है इस पर कंपोनेंट्स ऑफ लैन की, लेकिन ये राउटर लैन या वैन किसी भी तरह के नेटवर्क्स में यूज हो सकता है. इट कनेक्ट नेटवर्क्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, मुख्तलिफ कंट्रीज के नेटवर्क्स को कनेक्ट कर सकता है, करता है. राउटर स्टोर्स द एड्रेसिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ कनेक्टेड नेटवर्क एंड कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू देम. जब भी डाटा पैकेट रिसीव होता है राउटर को, तो वो उस डेस्टिनेशन एड्रेस देखता है जो उसने अपने पास एड्रेसिंग इंफॉर्मेशन स्टोर की होती है, और उसकी मदद से मोस्ट एफिशिएंट पाथ पे डाटा को राउट कर देता है, डाटा को सेंड कर देता है, डाटा को ट्रांसफर कर देता है. अगला जो हमारे पास कंपोनेंट है वो गेटवे. गेटवे टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क को कनेक्ट करता है. डिफरेंट टाइप्स मतलब उनकी डिफरेंट प्रोटोकॉल होंगे. ये अच्छी तरह आपने याद कर लेना, ये एमसीक्यूज में अक्सर आ जाता होता है. टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स को गेटवे करता है, टू सिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क्स को हमारे पास ब्रिज करता है. अच्छा, गेटवे इज एन इंटेलिजेंट डिवाइस. ठीक है, ये क्या करता है, एक टाइप के एक फॉर्मेट के डाटा को, जो एक नेटवर्क का फॉर्मेट होता है, जब उसको भेजा जाता है किसी दूसरे फॉर्मेट में किसी और नेटवर्क पे जो जिसकी कुछ और प्रोटोकॉल्स होंगी, तो गेटवे उसके अकॉर्डिंग डेस्टिनेशन नेटवर्क के अकॉर्डिंग फॉर्मेट को चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है. इसका क्या तरीका है, ये तीन स्टेप्स परफॉर्म करता है. पहले डाटा पैकेट रिसीव करता है एक तरह के नेटवर्क से, उसका डेस्टिनेशन एड्रेस रीड करता है, और फिर उस डेस्टिनेशन एड्रेस के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग डाटा का फॉर्मेट चेंज कर देता है, ताकि डेस्टिनेशन कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड दैट पैकेट. एग्जाम्पल क्या है, कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू लैन रिक्वायर गेटवे टू एक्सेस इंटरनेट. इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए भी गेटवे का इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट कंपोनेंट आ जाता है ब्रिज. ब्रिज क्या करता है, इट इज यूज टू कनेक्ट टू सिमिलर नेटवर्क्स. ठीक है, टू सिमिलर नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है नेटवर्क सेगमेंट. और सेगमेंट क्या होती है, सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क. ठीक है, एक नेटवर्क यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, एक उसके अंदर मल्टीपल कंप्यूटर्स होंगे जो कि आपस में कनेक्टेड होंगे, मल्टीपल कंप्यूटर्स होंगे, एक नेटवर्क यहाँ पे मौजूद है. ब्रिज जो है इन दो सिमिलर नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, नेटवर्क सेगमेंट्स को. ये काम कैसे करता है, कि एक इसमें मुख्तलिफ कंप्यूटर्स होंगे ना, ये आप लोग मुख्तलिफ कंप्यूटर्स बना लीजिएगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ये एक डायग्राम पहले करके आए हैं. अच्छा, जब ब्रिज कोई मैसेज रिसीव करता है तो पहले उसका चेक करता है सेंडर और रिसीवर एड्रेस, दोनों सेंडर रिसीवर एड्रेस रीड करता है. अगर तो दोनों सेम सेगमेंट के होते हैं तो उस पैकेट को ब्रिज आगे पास ऑन नहीं करता, बल्कि उसको डायरेक्ट सेंड कर देता है. सेंडर रिसीवर कंप्यूटर को डायरेक्ट सेंड कर देता है. जबकि अगर किसी और नेटवर्क सेगमेंट से डेस्टिनेशन कंप्यूटर का ताल्लुक है, तो फिर उस ब्रिज जो है उस पैकेट को पास ऑन करेगा किसी दूसरे नेटवर्क सेगमेंट में जहां पे डेस्टिनेशन कंप्यूटर मौजूद होगा. इससे चूंकि क्या हो रहा है कि सेम नेटवर्क सेगमेंट के पैकेट को सेंड नहीं कर रहा, बल्कि डायरेक्ट सेंड कर रहा है रिसीवर कंप्यूटर को, और वो ब्रिज के साथ पास ऑन दूसरे नेटवर्क सेगमेंट में पास नहीं कर रहा, तो नेटवर्क ट्रैफिक रिड्यूस होगी और परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी. अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं वैन. वैन क्या होता है, V फॉर वाइड, A फॉर एरिया, N फॉर नेटवर्क. वाइड एरिया नेटवर्क.
वाइड से ही पता चल रहा है, पहले लोकल था अब वाइड। वाइड का क्या मतलब है? एरिया थोड़ा बड़ा हो गया, इट कवर्स अ लार्ज एरिया। ठीक है, वाइड से ही इस चीज का पता लग रहा है कि थोड़ा एरिया बड़ा हुआ है, ये लार्ज एरिया को कवर करेगा, सच एज डिफरेंट सिटीज ऑफ अ कंट्री और डिफरेंट कंट्रीज ऑफ अ वर्ल्ड। ठीक है, मुख्तलिफ सिटीज या मुख्तलिफ कंट्रीज भी इसमें जितना ज्यादा एरिया आ सकता है वो इसके अंदर कवर हो सकता है, किसी भी इसके अंदर एरिया की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा, टिपिकली कंसिस्ट ऑफ मैनी लैंड कनेक्टेड अक्रॉस अ वाइड ज्योग्राफिकल एरिया। बहुत बड़े एरिया पे जितने भी लैंड हैं वो आपस में कनेक्ट होके क्या बना देंगे? एक वैन बना देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? एन ऑर्गेनाइजेशन हैज अ लैंड एट ईच साइट एंड लैंड ऑफ ऑल साइड आर कनेक्टेड आर वैन। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपके पास बैंक है, लाहौर की एक ब्रांच है। ठीक है, आपके पास एक ब्रांच है बैंक की, उसके अंदर अपना एक नेटवर्क क्रिएट हुआ होगा। एक और ब्रांच है बैंक की, उसके अंदर एक अपना अलग से नेटवर्क क्रिएट हुआ होगा। जब वो दोनों ब्रांचेस आपस में कनेक्ट करेंगी तो वो दोनों मिलके एक वैन बना देंगी, वाइड एरिया नेटवर्क बना देंगी। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉलेज है आपका कॉलेज, ठीक है, उसके अंदर एक अपना लैंड क्रिएट हुआ हुआ है, लोकल एरिया नेटवर्क। एक और कोई कॉलेज है, उनका अपना लैंड क्रिएट हुआ हुआ है। एक और कोई कॉलेज है, उनका अपना हुआ हुआ है। जब ये सारे लैंड आपस में, ये कॉलेज आपस में कोलैबोरेट करना चाहें और सारे मिल जाएंगे तो वो सारे मिलके क्या बना देंगे? एक वैन, वाइड एरिया नेटवर्क बना देंगे। वाइड, सबसे बड़ा, वर्ल्ड लार्जेस्ट वैन, सबसे बड़ा वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क कौन सा है? वो है इंटरनेट। इंटरनेट पूरी दुनिया में फैला हुआ है ना, इंटरनेट से बड़ा कौन सा नेटवर्क होगा? अच्छा, कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस आर कनेक्टेड थ्रू टेलीफोन लाइंस। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क में टेलीफोन लाइंस के जरिए आपस में कनेक्टेड होते हैं। इसके अलावा अगर वायरलेसली भी कनेक्टेड होना चाहिए, एक लीज लाइंस के जरिए भी हो सकते हैं, माइक्रोवेव, ये एक वेव्स होती हैं, वायरलेस नेटवर्क की एक अप्रोच है, इससे भी हो सकते हैं, और सैटेलाइट सिस्टम्स के जरिए भी हो सकते हैं। ये सब हम आगे पढ़ेंगे। एक्सपेंसिव एंड ट्रांसमिशन रेट स्लोअर। इसका ट्रांसमिशन रेट क्यों स्लो हो गया है? इसलिए क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ा एरिया कवर हो गया। जितना ज्यादा एरिया कवर होगा उतनी ज्यादा इसके अंदर डिवाइसेस इन्वॉल्व होंगी, उतना ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा और ट्रांसमिशन रेट भी स्लो हो जाएगा। ट्रांसमिशन रेट इसका कितना है? 56 किलोबिट्स पर सेकंड से 50 मेगाबिट्स पर सेकंड। ठीक है, अच्छा ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। अब आप गौर करें, आपने एक मैसेज देना है एक कमरे से दूसरे कमरे में, स्मॉल एरिया है ना, तो जल्दी मैसेज पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर आपने एक मैसेज देना है फोन के जरिए, नहीं खुद जाके फिजिकली आपने खुद जाके मैसेज देना, एक आपने मैसेज देना है एक शहर से दूसरे शहर, तो एक शहर से दूसरे शहर पहुंचने में ज्यादा डिस्टेंस है तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो ट्रांसमिशन रेट स्लो हो गया ना। ठीक है, तो इसी तरह लैंड में ट्रांसमिशन रेट फास्ट होगा जबकि वैन में ट्रांसमिशन रेट स्लो हो जाएगा। वैन में कुछ टर्म्स हैं, इन टर्म्स को जरा आप देख लें, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है टर्मिनल, टर्मिनल होते हैं पर्सनल कंप्यूटर्स। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर्स आर यूज्ड एज टर्मिनल्स टू असेस द लार्जेस्ट कंप्यूटर सच एज मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर। सही है, मुख्तलिफ कंप्यूटर, जैसे अब हमारे घर में जो छोटे छोटे कंप्यूटर्स पड़े हैं, हमने कनेक्ट करना है फॉर एग्जांपल कोई जीमेल सर्वर को कनेक्ट करना है इंटरनेट के जरिए, वाइड एरिया नेटवर्क के जरिए, तो हमारे जो कंप्यूटर्स होंगे, मेरा कंप्यूटर, आपका कंप्यूटर, छोटे छोटे कंप्यूटर्स, ये टर्मिनल कहलाएंगे। जबकि जो बड़ा इनका सर्वर होगा, जहां पे सारी जो जीमेल इनका सर्वर है, जहां पे सारे इनके अकाउंट्स पड़े हुए हैं, स्टोरेज एरिया जो हमें प्रोवाइड कर रहा है, जहां पे ईमेल सर्वर जो है, वो कौन क्या कहलाएंगे? वो होस्ट कंप्यूटर्स कहलाएंगे। लार्जेस्ट कंप्यूटर टू विच द टर्मिनल और पीसी इज अटैच्ड, तो वो होस्ट कंप्यूटर कहलाएंगे। टर्मिनल और होस्ट कंप्यूटर का फर्क पता चल गया। अच्छा, हमारे कंप्यूटर्स को टर्मिनल, हमारे कंप्यूटर्स जो आम पीसी है या माइक्रो कंप्यूटर है, इनको टर्मिनल कौन बना रहा है? इनको टर्मिनल बनाता है टर्मिनल एम्यूलेशन सॉफ्टवेयर। ये एक ऐसा स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है जो कि एक आम, एक छोटे से पर्सनल कंप्यूटर को, जब वो नेट, ऐसा तो नहीं है ना कि वो कंप्यूटर को आपने वैन के साथ इंटरनेट के साथ कनेक्ट किया और वो खुद ब खुद ही टर्मिनल बन गया, या कनेक्ट होने से टर्मिनल बन गया, ऐसा नहीं होता। बल्कि एक सॉफ्टवेयर होता है टर्मिनल एम्यूलेशन सॉफ्टवेयर, जो कि किसी एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है जो हर पर्सनल कंप्यूटर को एक टर्मिनल होने का दर्जा देता है, टर्मिनल बना देता है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से कोई कंप्यूटर टर्मिनल बन सकता है। अच्छा, टर्मिनल के दो ऑपरेशंस होते हैं, दो काम होते हैं, अपलोड करना और डाउनलोड करना डाटा फाइल्स को टू एंड फ्रॉम द होस्ट कंप्यूटर।
ठीक है, अब ये गौर करें, ये फॉर एग्जाम्पल आपका होस्ट कंप्यूटर है. होस्ट कंप्यूटर का मतलब है ये कोई बहुत आपका लार्जेस्ट कंप्यूटर है, पावरफुल कंप्यूटर है, जिसके साथ मुख्तलिफ टर्मिनल अटैच है. टर्मिनल क्या है? आपका छोटा सा जो है मासूम सा आपका अपना कंप्यूटर, या आपके घर में जो डेस्कटॉप कंप्यूटर पड़ा है, या आपका मोबाइल भी अगर टर्मिनल डिवाइस यूज हो सकता है. मुख्तलिफ टर्मिनल इसके साथ अटैच है. ठीक है, अब अपलोड करने का क्या मतलब है या डाउनलोड का क्या मतलब है? प्रोसेस टू ट्रांसफर और रिट्रीव द डेटा फाइल फ्रॉम होस्ट कंप्यूटर टू पर्सनल कंप्यूटर. आपने होस्ट कंप्यूटर से अपने टर्मिनल या पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर कुछ भी डेटा फाइल्स को या कुछ डेटा को ट्रांसफर किया तो आप कहेंगे आपने डाउनलोड किया. आप अक्सर कहते हैं ना, मैंने फला गाना जो है ना फला वेबसाइट से डाउनलोड किया, तो वो जो वेबसाइट होगी, जिस जगह पे, जिस कंप्यूटर पे पड़ी होगी, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होगा वो होस्ट कंप्यूटर होगा. और जब आप उस कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर में फाइल को, म्यूजिक फाइल को या गाने को या जिसको भी ट्रांसफर करेंगे, तो आप उसको डाउनलोडिंग कहेंगे. अगर आप अपने कंप्यूटर से होस्ट कंप्यूटर पे कुछ ट्रांसफर कर रहे हैं, कोई डाटा फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसे अपलोडिंग कहेंगे. डाउनलोडिंग और अपलोडिंग का फर्क पता चल गया ना? अक्सर कहते हैं ना कि मैं अपनी पिक्चर अपलोड कर रहा हूँ. अपलोड का मतलब है आप उनके सर्वर के ऊपर फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं. ठीक है, अच्छा, फाइल ट्रांसफर सॉफ्टवेयर, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि यूज होता है ताकि आप होस्ट कंप्यूटर और टर्मिनल कंप्यूटर के दरमियान कुछ भी डाउनलोड या डाटा फाइल्स को अपलोड कर सके. आपने डाउनलोड की होस्ट कंप्यूटर से टर्मिनल कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर पे, तब भी आपको फाइल ट्रांसफर सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी. आपने टर्मिनल कंप्यूटर से होस्ट कंप्यूटर पे अपलोड की, तो भी आपको फाइल ट्रांसफर सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी. एग्जाम्पल क्या है वैन की? सबसे बड़ा पाकिस्तान का वैन नेटवर्क कौन सा है? वो है नादरा, जिसके अंदर पूरे पाकिस्तान के शहरी जितने भी सिटीजन हैं उनका रिकॉर्ड मौजूद होता है. सही है, उनकी फैमिलीज का रिकॉर्ड मौजूद होता है, हर चीज का रिकॉर्ड मौजूद होता है, वो नादरा. दूसरा एक और है वापडा का. वापडा का जो हमारे पास नेटवर्क है पाकिस्तान में, वो वाइड एरिया नेटवर्क कहलाएगा, पूरे पाकिस्तान पे फैला हुआ है. या एटीएम्स का, एटीएम्स का तो आजकल खैर पाकिस्तान से बाहर भी आप इजीली एटीएम से जो है ना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, तो ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, एटीएम्स तो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है. आप ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, ज्यादा एरिया कवर कर रहा है. नेक्स्ट आ जाएं, अगला एक और नेटवर्क है मैन. अच्छा, आपने लोकल भी पढ़ लिया, लोकल एरिया नेटवर्क यानी जो स्मॉल एरिया कवर करे, आपने वाइड एरिया नेटवर्क भी पढ़ लिया जो कि लार्ज एरिया कवर करे. अब एक ये मैन क्या आ गया है? मैन कहलाता है मेट्रोपॉलिटन, एम फॉर मेट्रोपॉलिटन, ए फॉर एरिया, एन फॉर नेटवर्क. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इट कवर्स एन एरिया ऑफ अ सिंगल सिटी और टाउन. एक शहर या टाउन का जो एरिया कवर करता है उसे नेटवर्क मैन कहते हैं. इट यूजली कनेक्ट टू और मोर लैंड इन अ सिटी और टाउन, लार्जर देन लैंड एंड स्मॉलर देन वैन. फॉर एग्जाम्पल हम बैंक की मिसाल ले लेते हैं, चले मिजान बैंक की ले लेते हैं. एक मिजान बैंक की ब्रांच होगी जोहर टाउन में, एक होगी वापडा टाउन में, एक शादमान में, मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं. हर ब्रांच में अपना अपना एक अपनी अपनी बिल्डिंग के अंदर अंदर एक छोटा छोटा नेटवर्क होगा. वो छोटे छोटे नेटवर्क क्या होंगे? हर हर बिल्डिंग के अपने अपने नेटवर्क, वो लैंड कहलाएंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक ब्रांच है वापडा टाउन वाली, ये है जोहर टाउन वाली, ये है शादमान वाली. ठीक है, इनकी अपने अपने लैन होंगे. ठीक है, जब ये एक शहर की सारी ब्रांचेज आपस में मिल जाएंगी तो ये मिल के क्या बना देंगी? इसका अपना लैन है, इसका अपना लैन है, इसका अपना लैन है. मैं एल लिख रही हूँ लैन की जगह पे. ठीक है, जब ये सारी मिलके एक शहर की, फॉर एग्जाम्पल लाहौर शहर की है, ये यहाँ का एक मैन बना देंगी, यानी मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क. इसी तरह फॉर एग्जाम्पल ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच का नेटवर्क है, लैन है, ये एक ब्रांच की लैन है, और भी मुख्तलिफ होंगी, ये तीन नहीं सिर्फ होंगी. इनको जब मैंने इकट्ठा किया तो ये फॉर एग्जाम्पल कराची का मैन बना दिया इसने. ठीक है, एक एरिया को, एक सिटी को कवर कर रहा है, इसका मेट्रोपॉलिटन एरिया. जब ये सारी आपस में मिजान बैंक की ब्रांचेस मिल जाएंगी, हर शहर की हर ब्रांच, तो ये मिलके क्या बना देंगी? एक वाइड एरिया नेटवर्क, यानी मैन वैन बना देंगी. ठीक है, अब ये इन तीनों का फर्क समझ आया? अच्छा, कम्युनिकेशन मीडिया मैन में कौन सा यूज होता है? वो होता है फाइबर ऑप्टिक केबल. ठीक है, फाइबर ऑप्टिक केबल बहुत ज्यादा, इसकी स्पीड फास्ट होती है. इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3. ज्यादा स्पीड फास्ट होती है, इसलिए इस नेटवर्क की भी स्पीड फास्ट होगी. एग्जाम्पल क्या है? केबल टीवी नेटवर्क इन अ सिटी. एक शहर में
केबल टीवी नेटवर्क का, मोबाइल फोन सिस्टम्स, सेलुलर सिस्टम, वो भी इसी तरह काम करते हैं, ठीक है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क, ये भी इसकी एग्जांपल आ गई। या फिर जो नेटवर्क कनेक्टिंग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अ कंपनी इन द सेम सिटी, जैसे हमने ब्रांचेस किसकी, हमने मिजान बैंक की बात करी, बैंक के अलावा और किसी और मल्टीनेशनल कंपनी या किसी और कंपनी की भी बात की जा सकती है, ठीक है, उसमें भी सेम यही सिस्टम चलेगा। अच्छा, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लें। एडवांटेज क्या है, इट कवर्स अ लार्ज एरिया देन लैन, ज्यादा एरिया कवर करता है, एंड लार्ज डेटा स्पीड देन लैन, लैन से स्पीड भी इसकी ज्यादा होती है, लेकिन इट इज मोर एक्सपेंसिव देन लैन, क्योंकि एरिया ज्यादा कवर कर रहा है, जितना ज्यादा एरिया कवर करेगा उतनी ज्यादा डिवाइसेज रिक्वायर होंगी, एंड इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन देन लैन, जितनी ज्यादा एरिया होगा उतना उसको मैनेज करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ अब हम लैन और वैन का थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। लैन क्या करता है, स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया कवर करता है, जबकि वैन लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया कवर करता है। लैन डायरेक्टली कनेक्टेड थ्रू फिजिकल केबल और वायरलेस कनेक्शन, डायरेक्टली कनेक्टेड कनेक्शन होता है क्योंकि थोड़ा एरिया कवर कर रहा होता है, आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वैन को टेलीफोन लाइन या माइक्रोवेव सिस्टम के साथ कनेक्ट किया जाता है। लैन कनेक्शन इज परमानेंट यूजिंग केबल्स, जबकि वैन का कनेक्शन परमानेंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे 1, 2, 3 कंप्यूटर्स मौजूद हैं, ठीक है, आपने इन 3 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है, आप इन तीनों के दरमियान में वायर लगा दें, ठीक है, ये तीनों कंप्यूटर्स जो हैं वो वायर के जरिए आपस में कनेक्ट हो गए, ये परमानेंट रहेगा कनेक्शन। लेकिन वैन में क्या होता है कि होस्ट कंप्यूटर्स परमानेंट होते हैं, हमने इसमें 2 टर्म्स पढ़ी, होस्ट और टर्मिनल की, होस्ट कंप्यूटर्स परमानेंट होते हैं और टर्मिनल्स परमानेंट नहीं होते, टर्मिनल्स जो हैं वो कभी कनेक्ट हो जाते हैं कभी नहीं होते कनेक्ट, तभी तो वो एक लफ्ज आपने सुना है ना, ऑनलाइन और ऑफलाइन। आप जब ऑनलाइन है इसका मतलब है आप नेटवर्क पे इस पर कनेक्टेड है, जब आपने कंप्यूटर बंद कर दिया, आपने सारा कुछ बंद कर दिया, तो आप डिस्कनेक्ट हो गए नेटवर्क से, आप टर्मिनल हैं, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, आप फुल टाइम परमानेंट इसके साथ नहीं मौजूद। जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हैं और आप नेटवर्क पे आते हैं तो आपका नया कनेक्शन, नए सिरे से कनेक्शन क्रिएट होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है, नेटवर्क कार्ड इज यूज फॉर डाटा ट्रांसमिशन, इसमें नेटवर्क कार्ड का इस्तेमाल होता है लैन में, जबकि वैन में मॉडम का इस्तेमाल होता है। लैन का डाटा ट्रांसमिशन रेट फास्ट है, जबकि वैन में डाटा ट्रांसमिशन रेट स्लोअर है। लैन में लेस इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन कॉस्ट, क्योंकि थोड़ी डिवाइसेस का कनेक्टेड होती है, एरिया जो थोड़ा है, लेकिन अगर आप वैन की बात करें तो ग्रेटर कॉस्ट आएगी ऑन इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, लैन में लेस पॉसिबिलिटी ऑफ डेटा ट्रांसमिशन एरर्स, एरर्स की कम पॉसिबिलिटी होती है, जबकि वैन में हायर पॉसिबिलिटी ऑफ डेटा ट्रांसमिशन एरर्स। लैन में प्रॉब्लम्स अकर ड्यू टू केबल डिस्टर्बेंस, केबल के अंदर डिस्टर्बेंस आ गई, प्रॉब्लम आ सकती है, जबकि वैन में प्रॉब्लम किस किस्म की आती है, टेलीफोन लाइन या वायरलेस मीडियम में अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई तो वैन में प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा, इस लैन में कनेक्शन इन लिमिटेड एरिया, जबकि वैन में दुनिया में कहीं पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, वैन का एरिया बहुत ज्यादा कवर करता है ये। अब नेक्स्ट आ जाता है नेटवर्क प्रोटोकॉल, जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। आप लोगों ने ये जो सारा कुछ है इसको डिटेल में PM सीरीज की ICS पार्ट 1 की बुक है उसमें से करना है,